एक तरफ जहां महानगर पालिका ने महिलाओं के लिए 4 ठिकानों पर कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चलाया, वहीं नई मुंबई पुलिस ने बाइक रैली निकालकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा स्वस्थ और विकसित समाज की पहचान है। उन्होंने महिलाओं और नागरिकों से अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का भी आह्वान किया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर आज नई मुंबई पुलिस द्वारा बाइक रैली निकाली गई। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। विभिन्न इलाकों में घूमते हुए बाइक सवारों ने महिला और कोरोना सुरक्षा के लिए जागरूकता का संदेश दिया। बाइक रैली के शुभारंभ पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा स्वस्थ और विकसित समाज की पहचान है। उन्होंने नागरिकों और महिलाओं से इसके लिए सतर्क रहने का भी आह्वान किया। और आज का दिन, वैसे तो हर दिन हम महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करते हैं, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए हम विशेष उनका हम ध्यान रखते हैं महिलाओं का, वो तो हम हर दिन ये काम करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है एक उसके उपलक्ष में हमने जो थोड़ा इसको मार्क करने के लिए यहाँ पे एक अपने जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं इनका एक बाइक रैली यहाँ पे अभी हमने निकाला है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए है और महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनके सक्षमीकरण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक सिंबॉलिक रूप में हमने पूरे शहर में एक रैली आयोजन किया है, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो खुद ही कितनी सक्षम है अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, इसके लिए हमने रैली ऑर्गेनाइज किया है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके इस पे उनके जो जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, इसके लिए काफ़ी हम लोगों ने, वैसे बहुत से स्कीम हमारी है तो हम कुछ नया न करके हम उसी को चाहते हैं कि उसको और अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, मजबूत करें, ताकि शहर हमारा सुरक्षित हो। विशेषतः महिलाओं के प्रति जो गुनाह होते हैं उसको लेकर के हम ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा सुरक्षित रहें, यही हमारा पूरा इस जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में यही मेरा सबसे अपील है कि सब लोग उसमें कोऑपरेट करें और हमारे जो खुद के अपने जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी हम यही बताने वाले हैं कि आपने जो अच्छा काम किया है और इसके बाद भी अच्छा काम करें। इस अवसर पर नई मुंबई महानगर पालिका द्वारा शहर के 4 ठिकानों पर विशेष कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए। महिला दिवस को समर्पित इन केंद्रों पर सिर्फ महिलाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। तस्वीर में दिख रहा है ये तुर्बे के इंदिरा नगर इलाके का वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां 60 साल की महिलाओं के लिए टीकाकरण का विशेष डोज दिया जा रहा है। महानगर पालिका के इन विशेष इंतजामों पर नागरिकों, चिकित्सा कर्मियों और समाज सेवियों ने भी खुशी जाहिर करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया। नगर पालिका की तरफ से नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र इंदिरा नगर इथे आज 8 मार्च महिला दिनानिमित्त आज आपली कोविड लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे। आज प्रथम महिला आरोग्य महिला दिन असल्या कारणाने फक्त आज महिलांनाच आज लसीकरण करण्याचे माननीय आयुक्त साहेबांनी योजले आहे। सर्व ज्येष्ठ नागरिक, त्याच्यानंतर हेल्थकेअर वर्कर्स पहिला डोस, सेकंड डोस, तसेच फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत त्यांचा सेकंड डोस आणि पहिला डोस, हे सगळ्यांना या सर्व लाभार्थ्यांचा ह्याच्यात समावेश असणार आहे। इंदिरा नगर में अपना कोरोना लस का आज कार्यक्रम यहाँ पर लिया गया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, आज और बुधवार का और शुक्रवार का, और आज महिला दिवस है करके आज सिर्फ लेडीज़ लोग के लिए आज ये रखा है डोज मारने का, और जो भी 60 अबव जो भी ज्येष्ठ नागरिक है लेडीज़ लोग उनके लिए स्पेशली आज के लिए रखा गया है। और ये हमारे झोपड़पट्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे नई मुंबई में सबसे पहला झोपड़पट्टी ये हमारे इंदिरा नगर से शुरुआत हो रही है, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।